She's my best friend. No, she's my sister. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो को क्या बताने वाला अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया हुआ। तो यहाँ पर जो आपने शुरुआत में वीडियो देखी कभी ज्यादा वायरल है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर एंड आप उस टाइप की रील्स वीडियो बना के रील्स पे अपलोड करते हो तो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी सब कुछ आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कहना है सबसे पहले आपको VN ऐप की जरूरत पड़ने वाली, तो VN ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो फटाफट से VN ऐप को ओपन कर लेते हैं एंड दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो डाल दूंगा, उस वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, तो ओपन हो चुका दोस्तों, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट में आना है, ठीक है। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जो वीडियो डाउनलोड की थी उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे वीडियो को इंपोर्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो वीडियो यहाँ पे आ चुकी है और ये लास्ट में जो ब्लैक सा पार्ट आ रहा है उसको डिलीट कर देना है, ये वाटर मार्क है। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट हो चुका है दोस्तों ये, और ये हमारी जो वीडियो है यहाँ पे सबूती यहाँ पे बच चुकी है। एंड दोस्तों अब यहाँ पे आपको रील्स बनाने के लिए आपने आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों VN ऐप होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सिस्टर के संग या किसी की भी या जिसको आप बहन मानते हो उसकी आपने फ़ोटो लेनी है, उसके साथ होनी चाहिए या किसी भी तरीके से आपने फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने करना है यहाँ पे कट लगाना, देन कट कहाँ पर लगाना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपने 3.08 सेकंड पे यहाँ पे आपने रोकनी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके जो ये वाला पार्ट है इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। ये वाला पार्ट को डिलीट कर देना है, तो डिलीट हो गया और हमारे पास ये वाला पार्ट जो है बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका म्यूज़िक पूरा ऑफ कर देना है यहाँ से। तो मैंने पूरा म्यूज़िक ऑफ कर दिया है। एंड दोस्तों आप क्या करना है, आपने यहाँ प्लस वाला आइकन इस पर क्लिक करना है, वीडियो पर आना है और यहाँ पे फोटोज़ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी आप फोटो को ऐड करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। तो फटाफट से मैं एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने आप यहाँ पे एक फोटो को ऐड कर लिया, इस तरीके से आप इस फोटो को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर ओरिजिनल का, इस पर क्लिक करके 1960 सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपने आना, नीचे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ भी 1960 सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपने फोटो में भी कर देना है। तो इतना दोस्तों करने के बाद आप क्या करना है, आपने यहाँ पे ये म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, म्यूज़िक पर आना है और प्लस वाला आइकन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो डाउनलोड करवाई थी उस वीडियो को आपने यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये रही वीडियो, उसको सेलेक्ट कर लेना है और ये वाले निशान पे क्लिक कर देना है। तो इससे कि दोस्तों क्या होता है कि आपका जो वीडियो का म्यूज़िक होता है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर फर्स्ट में आ जाएगा, इस पर चूज़ वाला आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर देना है अपने म्यूज़िक को। और लास्ट में दोस्तों आपने देखना जहाँ तक आपका म्यूज़िक है वहीं तक अपनी फ़ोटो को रखना है। तो यहाँ तक हमारी म्यूज़िक है तो यहीं तक अपनी फ़ोटो को रख देंगे, एक्स्ट्रा फोटो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। इतना दोस्तों हो गया है, इतना आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो फ़ोटो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरव्यू जाएगा। आप क्या करना है, आपने यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई सा भी एफएक्स वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है अपना जो भी आप लगाना है वो यहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ये वाला लगा दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, स्लाइड राइट वाला। इसकी लेंथ को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है इस तरीके से। मैंने 1:00 सेकंड तक मैंने यहाँ पे कर दिया है, इस तरीके से काफ़ी अमेजिंग सा लगता है ये। एंड दोस्तों इतना करने के बाद क्या करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप जूम आउट या जूम इन जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो जो भी यहाँ पे आपने लगाना है वो यहाँ से आप ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जूम इन वाला लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारी जो वीडियो बन के कम्प्लीट हो चुकी है, एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसी हमारी जो वीडियो है बन के आई है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप की वीडियो की एडिटिंग कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी आसानी से आप बना सकते हो। और दिक्कत भी परेशानी होती है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। काफ़ी लोगों को एक्सपोर्ट करना नहीं आता है तो इस पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट हो जाती है आपकी वीडियो, ठीक है। ये देखिए एक्सपोर्टिंग ये हो रही है अभी। तो गाइस यहाँ पे आपने करना है सेव टू ऑल पे क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और वीडियो अच्छी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।